हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन और वेरी गुड मॉर्निंग जब आप ये ब्लॉग देख रहे होगे तो। और आज से डेली व्लॉग्स मैंने स्टार्ट कर दिए हैं वापस से काफ़ी समय बाद, मतलब ऑलमोस्ट एक साल बाद जाके मैं डेली व्लॉग्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा था मैं इतने दिन जो व्लॉग्स नहीं आ रहे थे उसके पीछे, तो थोड़ा सा आप लोग को झलक दिखलाते हैं खाली। तो बेसिकली मैंने एक 90 डेज का चैलेंज लिया है कि मेरे को 90 डेज में अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे बदलाव लाने हैं। तो उसी के लिए मैंने एक शीट बनाई एक्सेल की और मैं इसके बेसिस पे काम कर रहा हूँ। मैंने जिम ज्वाइन करा वापस से ढंग से करने के लिए। जिम तो मैं कर ही रहा था लेकिन उतना अच्छे से नहीं कर रहा था, तो मैंने बॉडी मेजरमेंट्स का एक पार्ट बनाया, अपने बिजनेस को सही करने के लिए उसका एक पार्ट बनाया वीकली डिवाइड करके, पैसिव इनकम के नए सोर्सेज पे काम करना शुरू करा उसके लिए एक पार्ट बनाया, बुक्स रीड करने का शौक है तो बुक्स रीड करने का एक कॉलम बनाया है कि कितना रीड कर रहा हूँ, ऑडियो बुक्स भी कई सारी सुनता हूँ मैं इसके अलावा, और ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सारे फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं। सो बेसिकली मेरा कंसर्न ये था कि इन 90 डेज का जो मैंने चैलेंज लिया है, 90 डेज में मुझे अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज करना है। ठीक है, मैं काम तो वैसे भी कर ही रहा था, सब चीज़ें कर रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं और एफर्ट डालूँ और ज़्यादा गोल अचीव करूँ। इसके लिए मैंने 90 डेज का स्लॉट लिया। जिम करते हुए एक महीना हो गया है मेरे को ऑलमोस्ट, और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखे हैं मैंने इस फिलहाल एक महीने के अंदर जो मेरे को पिछले बार भी नहीं नज़र आ रहे थे। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मैंने अपनी डाइट भी कॉन्शियस हो गया हूँ और डाइट पे भी बहुत बार काम कर रहा हूँ, तो डाइट से भी देखते हैं क्या होता है। मतलब चाय जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी वो लिटरली मैं छोड़ चुका हूँ। मतलब अगर कहीं बाहर जाता हूँ और कोई बोलता है तो एक आध कप मैं चाय पी लूँ, वो भी थोड़ी सी, तो टोटली चाय मैंने छोड़ दी है। अब मुद्दे पर आते हैं, आज से अपन डेली व्लॉग शुरू कर रहे हैं। आज का व्लॉग पता नहीं कितना बड़ा होगा कितना नहीं, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि ये 90 डेज तक मैं व्लॉग्स को भी कंटिन्यू कर पाऊँ। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने गिटार बजा रहा था, आज से करीबन 7-8 साल पहले मैंने गिटार बजाना छोड़ दिया था। उस वक्त मैं सीख रहा था और उसके बाद मौका ही नहीं मिल पाया, लेकिन क्योंकि म्यूज़िक का बहुत शौक है मुझे तो वापस से कंटिन्यू करा, और विद इन 45 डेज, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे आपके सामने जो मैं बजा रहा था उसको, सिर्फ बजाते हुए मुझे 45 डेज ही हुए। मतलब गिटार को हाथ में लेके बजाने की जो जर्नी है मेरी अभी तक की वो मात्र 45 डेज की है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट था, भले ही 15 मिनट दूँ डेली अपनी प्रैक्टिस को, लेकिन दे रहा था, जिस वजह से मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ। देखते हैं आगे और क्या होता है। तो चलो, अभी तो हो रहा है राइट नाउ इट्स 3 और मुझे जाना है क्लास लेने के लिए। आज लेट हो गया हूँ, लेट ऐसे हो गया हूँ कि आज बाकी क्लासेस थी कैंसिल हो गई हैं, तो ये टाइम मेरा पूरा खाली चले गए। अब जाते हैं एक क्लास ले लेते हैं, फिर आने के बाद घर पे है दूसरी क्लास अपनी, तो फटाक से जाके वो क्लास लेकर आता हूँ। तो मिलता हूँ आप लोगों को सीधे बाइक पे। फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जल्दी जल्दी सर, 1200 मीटर पर सेकंड किलोमीटर में कितना होता है बता रहा है कि नहीं, कैलकुलेटर करके इसका टेस्ट लेने जरा सा मेरे को। ये सब रिएक्शन से विश को बहुत अच्छे से आती है, इतनी आती है मुझे को भाई। तो यहां शिवेश का चल रहा है टेस्ट केमिस्ट्री का, कैसा जा रहा है शिवेश टेस्ट? भगवास। अरे यार क्यों यार, तूने तो याद करा पूरा पढ़ के बैठा है। पढ़ के बैठा हूँ, याद कुछ नहीं है। अरे यार ऐसा मत बोल यार। चल अगली रिएक्शन लिख, नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन्स, उसमें नाइट्रेशन। जे का चीज है, जे का चीज है।
बता बता ना इटरेशन जल्दी। हेलोजिनेशन पूछा तेरे को, वो नहीं बना। 1.2 किलोमीटर पर सेकंड। नाइट्रोजन क्या होता है? सोच। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रिक एसिड। नहीं ब्रो याद आ रहा है, क्या क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजेन्स, उसमें नाइट्रेशन। न्यूक्लियोफिलिक है क्या? न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा दूसरी वाली होगी जो आ रही है या दूसरी? तो दूसरी फिटिग रिएक्शन। फिटिग कैसे नाम है यार? यहाँ पे ये सो रहा है, देख लो। मेरी पढ़ाई तो हो गई ना। पढ़ाई हो गई। 5 मिनट आया, 1 क्वेश्चन मेरे से करवाया, 1 क्वेश्चन का डाउट पूछा, बोले पढ़ाई हो गई। ये आरडी क्लासेस वाले सारे बच्चे ऐसे ही है ना। क्यों क्यों सही बोल रहा हूँ ना? नहीं। हाँ दिख ही रही है स्थिति। अरे पूरी मैच आती है मुझे। चल टेस्ट दे दे। अरे वो टाइम नहीं। हाँ देखा, बहाने चालू। हो गया फिटिक रिएक्शन हो गया। सो फ्रेंड्स, राइट नाउ इट्स 9:26 इन द इवनिंग, और पता नहीं क्या हुआ यार, आफ्टरनून के बाद जो तो मेरा सर दुखा है बहुत भयानक। मतलब ये वाला हिस्सा पूरा यहाँ से पीछे तक, मतलब लिटरली सहन नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। खाना ना सब खाया था उसके बाद भी, दवाई भी खाई लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं। फिर उसके बाद आज क्लासेस की छुट्टी करनी पड़ी मुझे इस वजह से, और 1.5 घंटा मैं सो गया, तब जाके थोड़ा रिलैक्स फील करा है मैंने अब जाके। और मेरे को साइनस है तो अब जुकाम हो रहा है। मतलब बैक टू बैक कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो इस वजह से आज के ब्लॉग में मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाया हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन क्योंकि मैंने बोला था आज से डेली ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, इसलिए आज ये ब्लॉग इतना जितना भी बना है उतना डाल रहा हूँ। कल देखते हैं, कल अपनी मॉर्निंग से ही अपनी होगा तो करते हैं कवर, तो कल कंटिन्यू करते हैं अपन। तो इतना ही बोलूँगा कि यार अगर अच्छा लगा हो, वैसे इतना कुछ खास वीडियो उसमें था नहीं, लेकिन फिर भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, अच्छा लगता है देखना। कमेंट करना, कमेंट करके मुझे आप लोग भी सजेस्ट करो कि और किन किन चीज़ों पे मैं वीडियोस बनाऊँ, ताकि मेरे को भी कंटेंट मिल सके और आप लोग को भी देखने में मज़ा आए, क्योंकि आप लोग की पसंद के वीडियोज़ होंगे ना। इसलिए मिलता हूँ कल, तब तक के लिए स्टे सेफ और राइड सेफ, जस्ट कीप डूइंग व्हाट एवर यू लव टू डू। चलो मिलता हूँ आपको कल, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।